राम राम सा, पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारो स्वागत है सा। यू तो लाले वीडियो रामायण में आपने दो आसान तरीकों बाटी बनावनी बताई। तो आज रे वीडियो रामायण में आपने चूरमो, मिर्ची रो कूटो और दाल बनावनी बतौला। यू तो इन्हें साथ खाने वास्ता दाल अपना बहुत रो बढ़िया करे, पर मैं आज अपने बहुत सरल तरीके हूँ स्वादिष्ट और सिंपल दाल बनावनी बतौला। और है वो जरूरी चीज़ मैं इन वीडियो अंतरे मायने आपने बतौला कि दाल बाटी चूरमा आपने खावना की करे। अच्छी तरह अपन नहीं खावाला तो अपन राजस्थान रो वो स्वाद नहीं आवेला। तो पदार मारी रसोई रे मायने अपन चूरमो, दाल और कूटो बनावनी शुरू करा। इन वास्ते सब पहले अपा दाल भिगान ने तैयार कर लें। अब मूंगाली दाल में लिवी हूँ जी कि मैं दो तीन बार साफ पानी धो ली हूँ। दाल ने धोनी जरूरी है क्योंकि इन माते कहीं पाउडर लगाड़ो या करे जब दाल खराब नहीं होगा। इलास पाउडर लगान रखा करे लोग, तो अपन साफ दो तीन बार पानी धो ले होना। आधा कप में दाल लिवी हूँ जी कि वजन के मायने लगभग 100 ग्राम है। मैं एक टेबल स्पून में चना दाल लिवी हूँ जिन्हें भी मैं धो ली हूँ। अब इन मायने डाल दें तो यहाँ दोनों टेस्ट अच्छा लग गया करे साथ। अब इन दाल ने अपा कही है बड़े पलर मायने भिगाने रख दिया वहाँ। दो तो लिया दाल ने अपा पानी पूरा में निकाल दिया है ना। अब नाप ने पानी गालने भिगा दें वहाँ पर। एक कप पानी लिया हूँ मैं और इन मैंने डाल दिया हूँ क्योंकि 15 मिनट में दाल अच्छी भीग जाएगी तो जिन टाइम आप पकाओ जरा फटाफट पकने तैयार हो जाए। गैस ज़्यादा नहीं बढ़ा लापा। जब तक अपन दाल भिंजे है जितना अपा बाटे ना चूरो करने ही ना चूरमा बना लापा। तो बाटे रेसिपी मैं आपने पहले बताई जी। गर्मा गर्म बाटे है या ना पतोड़ लेवा इन तेरू देखो बाटिया बहुत ही अच्छा बनी उड़ा मुला आराम से बाटिया टूट गया है। अब भैया ना अपा मिक्सी खंड में डाल देवा और मिक्सी खंड लिया एक इन मैंने पर डाल देवा या ना पीस लेवा। बाटिया ना अपन एक हाथ नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा अपना जरक देने पीसना है। देखो अपना सब बाटे अच्छा पीसी ने तैयार हो गया। आपने बराबर नहीं पीसी जावे तो आप थोड़ा सा और पीस लीजिए। पैंतरो देखो चूरमा हो क्या जो बन गया बाटे। अब इन्हें अपन निकाल लिया। अब इन्हें बाटे अपन डायरेक्टली चूरमा नहीं बनावना है, इन्हें सेकने बनाया करें तो अपन थोड़ा सा इन्हें सेक ले। बाटे अच्छा सीख जावाला क्या तो चूरमा खाउन में अच्छा लगेगा। यू तो बाटे सिकोड़े जाए अपने पर चूरमा वास्ते थोड़ा सा अपन सेक ले जिन्हों चूरमो ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। अब आप गैस चालू कर देवा। एक बार आप आँच मध्यम ही रखा ला नहीं आने बराबर चला सेक देवा। आपने बराबर आप नहीं पीसी जो वे तो आप चाने छान लीजो क्योंकि बड़ा बड़ा टुकड़ा नहीं रहा इनमें। मारे अच्छी तरह पीसी कर दो मैं कोई मई मई टुक सब मई मई हो गया इनमें कोई टुकड़ा नहीं रहा पीस। अब आप आँच एक है स्लो और मीडियम रे पीस में कर देवा। धीरे धीरे आँच रे मैंने सेक आई। अब देखो चूरमो अपन लगभग आधा सीख गया है न तो खुल्लो खुल्लो हो गया देखो पूरा। अब भाई इनमें अपना 2 टेबल स्पून वजह तो घी डालना। बस घी आपने पसंद रहे साबु डालना, आप नहीं चाहो तो बल्कि घी मत गाल दो बोले। पर इनमें पर शक्कर वगैरह डालना कर तो घी छह जला इनमें। इस बार थोड़ा सा घी गालना जरूरी है। घी लगभग मैं 5 मिनट सेक कह रहा पचे गाली हूँ। आँच मैं स्लो और मीडियम रे बीच रे मैंने सेक रही हूँ। ज़्यादा तेज आँच में मत सेक जाओ। स्लो और मीडियम आँच में सेकोला जी ना कलर बहुत अच्छा हो रहा हल्को बिदामी कलर आ जाए ये तो अपना सेकना है। एडो सेकना तैयार कर रहा था और चूरमा बना रहा अपने हफ्ता भर भी आप पड़ो रहेला फ्रिज रे बारे तो ही खराब नहीं वेला क्योंकि इन मॉइस्चर है जो थोड़ा खत्म हो जावेला। देखो अपना चूरमा का कलर चेंज ऊंड उग गया है ना काफ़ी डार्क हो गया। देखो एडो सेकना तैयार कर लिया वहाँ न पूरा सूखो सूखो भी हो गया है। अभी आप गैस बंद कर दें वहाँ इन दूसरे पहले मैं निकाल लें कि इन मान रखा ना तो बहुत ज़्यादा कलर इन चेंज हो जाए ना बड़न भूख जा वाला तो कड़ाला बहुत गर्म है इस वास्ते को दूसरे पहले मैं निकाल लें वहाँ पर तो एकदम बिदामी कलर आई गया अच्छा इन वास्ते एडो कलर हो जाना चाहिए। अब थोड़ी देर वास्ते पर ठंडो करना रख दें वहाँ गर्म गर्म मैं शक्कर नहीं डाल रहा पाई थोड़ा ठंडो हो जाओ 10 मिनट पचा पा शक्कर डालना है और भी सामान दूजा डालना जगह बाद में डालना। अब अपना चूरमा सेकने रखिए जगह ठंडो हो गया है तो सेक्योड़ा है जो एक कप है अपने नाप रहे मन इस वास्ते अपन आधा कप शक्कर डाल दें इन महीने उन आधी शक्कर डालनी है। शक्कर आपने पसंद अनुसार आप कही है मिट्टी बत्ता खाता हो तो आप पत्ती शक्कर भी डाल सको। अच्छा इन महीने आप शक्कर नहीं खाता हो तो आप मिश्री पाउडर बनाने वो भी डाल सको चाहिए आप वो भी चल जाला और नहीं तो आप ऑर्गेनिक गुड़ वे आप रखना तो वो भी आप डालने खा सको शक्कर की जगह माता
ऑर्गेनिक गुड़ है पाउडर फॉर्म में मिलिया करे, इस वास्ते इन मैं आप आराम में डाल सको। बस शक्कर ने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। आप गरम गरम ना मैंने शक्कर डाला तो शक्कर पिघड़ जा वाला, तो पचे पान चूरमो अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा सा ठंडा करने पचे डाल नहीं शक्कर कभी भी, अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब आप शक्कर अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब इन मैंने आप 15-20 बादाम लीवे जिन छोटी छोटी काट लिया बादाम ने इन तरह लंबी लंबी बादाम इन मैंने डाल दिया। और ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो आप डाल दो, आपके कहने बादाम हो तो डाल दो, नहीं तो जरूरी नहीं है। इन्हीं साथ आप एक छोटो चम्मच है जिसको इलायची का पाउडर डाल दें, न एक टेबल स्पून वह जीती आप मिश्री ली हुई मिश्री ने मैं हिमानदस्तर मैंने छोटे छोटे टुकड़ा कर दिया देखो इन तरह मिश्री रख एक एक टुकड़ा हुआ बीच बीच में मैंने खावा जाए तो अच्छा लग गया करे, तो इस वास्ते डाला जरा ज़्यादा अच्छी लग गई। जो हलवाई बीजा बनावा अपना सादिया रहा मैंने कह चाहे थोड़ी मिश्री घालने बनाया करे, तो अपन वो सादे वाला चूरमा क्यों अच्छा लगे, इस मैंने ऐसी चीज़ें घालने बनाया करे, तो वो चूरमा बनावा जरा इन तरह बनाया करे। अब भाई मैंने पास थोड़ा एक टेबल स्पून वह जितना पिस्ता डाल दे वहाँ। ये सब ड्राई फ्रूट्स आप रहे पसंद रहे अनुसार आप कम पत्ता डाल सको थे, या इन्हें बिना बनाओ तो भी अच्छा लग जाए आपने। चूरमा अपना बनना तैयार हो गया। मैं आप चाहो तो चूरमा फॉर्म में खा सको, आप चाहो तो इन लड्डू बनाने भी खा सको। तो आज मैं कही है दाल बाटिया चूरमा बना रही रास्ते चूरमा ही जाकूला मैं लड्डू नहीं बनूंगा मैं। अब मैं झटपट अपा मिर्ची रो कूटो बनाने तैयार कर लें। रसो पहले अपा 2 टेबल स्पून वजह दाणा मेथी ले लें, दाणा मेथी ने अपा भिगाने रख दे वहाँ अच्छी भिगोड़े दाणा मेथी हुई तो अच्छा रहे अपना फटाफट बन दे। और मैं पानी डाल दिया लगभग 4 टेबल स्पून वजह तो पानी डाल लिया मैं, और पानी मैं गुनगुनो पानी लिया हूँ पानी गुनगुनो पानी रिमाने के दाणा मेथी जल्दी भीजना तैयार हो जाए, तो रात पानी आप गुनगुनो दीजो न अच्छी तरह पानी ने भिगा ने रख दे वहाँ इन्हें साइड में रख दे वहाँ। अब मैं आपने बता दूँ ए मैं 50 ग्राम मिर्ची ली हुई हूँ। आप मिर्ची कोई भी आप फीकी या तीखी जड़ी आपने पसंद हुए उन हिसाब आप मिर्ची ले सका, मैं बड़ी बड़ी काटी हूँ क्योंकि मिर्ची ने अपा थोड़ी दरदरी पीसनी पड़ी। कूटो बना रही हैं तो पहले तो कई पहले जमाने में मैंने कूटो के हमानदस्तर मैंने कूटना बना दिया था कई, अब आप हमानदस्तर में कूटने जरूरत नहीं, मिक्सी मैंने थोड़ा अपना दरदरों पीस ले। अब इन दरदरी पीसने वास्ते अपना मिक्सी रो खंड लिया हाँ, अब आप जरक देता हूँ पीसा एकदम ज़्यादा तेज पीस ला तो एकदम वही पाउडर बन जा वाला बड़ी अपन चटनी हो जो नहीं पीसना है, इन थोड़ा सा जरक देते हुआ पीसना है। बस मैं 2-3 बार इस चलूँ लाइन ना ज़्यादा नहीं चला वाला, अपना चलाते हैं क्या इन आडो नहीं खोलना, आडो खोलला तो कहीं मैंने मिर्ची रो कस वेला जो का अपन नाकरे मान चढ़ जा वाला, थोड़ी देर वेट कर न पच आडो खोलना अपन देखो अपन दर्दरो पीसी गया इन तरह जो मान दस्ते में कूटा अपा क्या बड़ा पीसी गया है, ज़्यादा तेज चला तो एकदम चटनी बन जा लाइन। भाई मिर्चा काटी ना अपना दरदरी पीसी हाँ जितना अपन दाणा मेथी भीजने तैयार हो गई है। अब देखो दाणा मेथी अच्छी सॉफ्ट हो गई है, देखो हाथ लगावा तो अच्छी सॉफ्ट लगा दाणा मेथी इन तरह सॉफ्ट हो जाए थोड़ी दाणा मेथी, ज़्यादा नहीं अपना भिंजो ज़्यादा भिंज वाला था कहीं दाणा मेथी रहना पेट फूट जाए करे तो खारी हो जाए वाला तो खरासिया वाला, तो अपन 15 मिनट में ना भीज जाए दाणा मेथी गुनगुना पानी भिंजाया नहीं तो आराम भिंज जाए। अब आप छान नहीं पानी निकाल ले वहाँ, अब आप कूटो बनावना शुरू कर। कूटो बनाने वास्ते आप एक पैन लिए हाँ जिन मैंने आप 2 टेबल स्पून वजह तेल डाल दे वहाँ गैस चालू कर दे वहाँ, तेल अपना गर्म हो गया है इन मैंने आप 1/4 चम्मच वजह थी हींग डाल दे वहाँ, हींग रो फ्लेवर इन मैंने अच्छा आया करे न 1/4 चम्मच आप कलौंजी डाल दे इन्हें किराया तो क्या करे कोई लोग कोई इन्हें कलौंजी कहे, 1/2 चम्मच इन मैंने आप सौंफ डाल दे वहाँ, 1/2 चम्मच इन मैंने अपना राई डाल दें, ये सब चीज़ें ने अपना अच्छी तरह पका लेंगे। राई भी अपन चटकन डूब गया देखो, मैं सौंप वगैरह हींग सब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बाकी। अब ये सब पहले अपन दाणा मेथी डाल दें इनमें, आँच में अपना थोड़ी धीरे कर देंगे। भाई नहीं आता अपा तो मिर्चा जी की करी हैं अपा वे मैं डाल दें मिर्चा में,
और कुत्तों के खाने में बहुत स्वादिष्ट लाग गया कर बाटे यार पास की भाई मान आधो चम्मच वजती हल्दी डाल दे आधो चम्मच इन मान अपन नमक डाल दे मिर्चन अपा बहुत ज़्यादा पकौन जरूरत नहीं है अब भाई मान अपा पाव चम्मच वजती लाल मिर्ची डाल दे कश्मीरी लाल मिर्ची है इन कलर अच्छा आया करे इस वास्ते मैं डाल दूँ ज़्यादा तीखी नहीं है कि कूटो दिखे ना मैं अच्छो दिखे इनमें तो कुछ मिर्चा है बड़ी बड़ी रेवड़ी है कुछ छोटी रेवड़ी है मतलब कूटा के अपा जब मिर्चा इन तरह रह करे अब अपन ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है ना बस हल्की सी खड़बड़ा देनी है अब आप गैस बंद कर दे वहाँ कुल मिलाना है इनमें अब 3 मिनट तक पकाया हूँ बस ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है अपन ने अब आप एक नींबू रस इनमें डाल दे एक नींबू रस निकाले हूँ मैं और इमान डाल दें नींबू रस अपन कही गैस बंद करी यार पचा गाल में और अपन कूटो बनना तैयार हो गया है चूरमान कूटो लगभग अपन 15-20 मिनट में बनना तैयार हो गया है जितना अपन दाल भी भीजना तैयार हो गई देखो दाल अच्छी सॉफ्ट हो गई है अरे दाल आप थोड़ी भिंजोदा था कही वह जल्दी पकना तैयार हो जाए देखो आराम टूटन डूबी दाल इस वास्ते जरा भी अपन दाल भी बनानी हुआ तो अपन थोड़ी देर भिंजा देनी चाहिए अब भाई इन्हें आप पकौन वास्ते रख दे दाल पकौन वास्ते अपन एक बर्तन लिया हाँ इन मायने अपा दाल डाल दी वहाँ दाल अपा पानी है मेदी डाल दे क्योंकि दाल रे मायने अपा पहले साफ पहले दाल ने अपा साफ पानी धो लिया धोने बाद रे मायने अपा साफ पानी घालने रखियो इस वास्ते पानी इन मायने डाल दी वहाँ और नाप रो पानी अपन इन साथ अपा 1 कप पानी और डाल दी राजस्थान तो मैंने दाल अपन ज़्यादातर कुकर में नहीं बनाया करे क्योंकि भगोलर मैंने या देच के मैंने बनाने तैयार किया करे तो वह दाल है स्वाद ला गया करे इस वास्ते मैं आपने ट्रेडिशनली दाल बना वेडिज बनानी बता रही हूँ अब आप गैस चालू कर देवा अब इन मैंने आप 1 छोटा चम्मच नमक डाल देवा आधा चम्मच वजीते पाई में हल्दी डाल दें अब दाल रो उकड़ा रहा वेट करा अब अपन दाल रो उकड़ आई गया है अब आँच ने अपन स्लो और मीडियम रे बीच में कर देवा न धीरे धीरे आँच रे मैंने दाल पानी पकती रही न ढक्कन लगा दिया उन्होंने और धीरे धीरे आँच में अपन दाल पकानी है अबे आप दाल देख लें दाल देखो अपन अच्छी हिंजने तैयार हो गई है इन्हें धीरे धीरे आँच में हिंजने मायने लगभग अपन 20-25 मिनट लाग जाया करें देखो अच्छी तरह दाल अपन ऐडी दाल अपन हिंजोने तैयार करनी है अबे आप ढक्कन लगाना साइड में रख दें इन्हें छौकने की तैयारी करा मैं दाल चमकन वास्ते अपन कढ़ाला लिए हाँ कढ़ाले मायने अपना 2 चम्मच घी डालना घी आप हिसाब वो आप कम बत्तो भी डाल सको अपने कम घी गालने बनाना हुआ तो कम घी गाल नहीं बना सको अब घी पाना पिघल गया है अब इन मैंने अपा 8-10 लहसुन की कलियाँ ली हुई हूँ मैं इन तरह लंबी लंबी काट ली हूँ या कहीं दिखना मन अच्छी लगे दाल रहे मायने आप चाहो तो लहसुन पीसने भी डाल सको पर बाटे यार पाए तक या इन तरह बनावा क्या तो दिखन में अच्छी लगे दाल आप लहसुन नहीं खाता हुआ तो आप लहसुन मत डाल दो लहसुन की जगह आप हींग डाल दीजो पाव चम्मच में हींग ली हुई हूँ अभी मैं डाल दी लहसुन ने अपना घना बालना नहीं है अब इन मैंने अपना 2 हरी मिर्चा ले भी हूँ इन तरह का ट्योड़ी छोटी छोटी वे डाल दी तिको आप हिसाब आप थोड़ा बत्तो भी डाल सको आपने बत्ती तिकी पसंद वे आप बत्ती भी डाल सको अब इन मैंने अपना 2 अड़ी बोर मिर्चा ली हुई हाँ जिकी भी इन मैंने डाल दी हूँ 1 इंच अदरक रो टुकड़ो लिया हूँ अभी मैं लंबो लंबो काटी हूँ वो भी मैं डाल दी यानी सब अच्छी तरह पका लेवा यानी पकड़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगे जब लहसुन का कलर वगैरह सब चेंज हो गया है अब इन मैंने अपना 1 मीडियम साइज रो कांदो लिया हूँ और डाल दें कांदा ने अपना छोटा छोटा काटने डालना मई काटने डाला जरा कि खुशबू अच्छी आवे कांदे में तो कांदा ने अपना ज़्यादा नहीं डार्क कलर करना है हल्का देखो ट्रांसपेरेंट दिखन डूब गया है पारदर्शक दिखा कांदा के हल्का बस अड़ी पकावना है अपन अब इन मैंने अपना एक मैं मीडियम साइज का टमाटर लिए हूँ इन्हें भी छोटा छोटा काट लिए इन्हें भी मिक्स कर लेंगे मैं आँच ने अपना थोड़ी धीरे कर दूसरा मसाला डाल दूँ यू तो अपन नमक और पहले डाली उड़ा अपन दाल में उन्हें साबुन नहीं डाला दाल रही साबुन यह जो का मसाला बनाया इन्हें साबु ही डाला इन मैंने अपना थोड़ी 1/4 चम्मच बजी थे अपन हल्दी डाल दी 1 छोटा चम्मच अपन लाल मिर्ची डाल दें कश्मीरी लाल मिर्ची है
डाल दी हूँ। ज़्यादा तिक्की नहीं होया करें, खाने में अच्छी लागिया करें। आधा चम्मच मैं जीरो लिए हूँ और जीरो बीन मैं डाल दी हूँ, इन्हा तैयार पक जाइए ठीक है। एक चम्मच सूखा धाना लिया हूँ, यह भी मैं डाल दी हूँ। नमक अपने पहले डाल उड़ है, इस में पाँच चम्मच नमक ही डालू ला और इन सब्जी रहे हिसाब ही डालना नमक। देखो मसाला पर तैयार करिए नहीं, इन हिसाब में नमक डालू लाई मैंने। बाकी नमक पहले अपना डाल उड़ है, अब थोड़ा सा इन मैंने पानी डाल दी हूँ कि मसाला कही है अच्छी तरह पक जाइए पानी। देखो टमाटर पे पानी सॉफ्ट हो गया है, मसाला भी अच्छा तली गया। देखो मसाला तली जोड़े निशानियाँ हो जाया करे, मसाला मैंने इन तरह देखो छोटा छोटा चानी रहा खड़ा हुआ कैडा जरा दिखन डूब जाया करे, इन्हें मतलब मसाला अपना अच्छा पकी है। देखो घी भी पाकती छोड़ दिया मसाला, देखो सब जगह आपने घी दिख रही है, मसाला सब घी छोड़ दिया है, टमाटर भैया सब डाले, सब चीज़ें सॉफ्ट हो गई एकदम। देखो अब अपना मसाला तली में तैयार हो गया है, अब जी की दाल अपन उबालने तैयार करी, वाइन मान डाल दी हूँ। अब इन दाल में थोड़ा अपना पानी डाल दे, जिन भगोली में दाल पके के अपन उन भगोली में थोड़ा पानी डाल, इन दाल में डाल दी हूँ। और लगभग आधा कप है तो मैं पानी डाल लिया हूँ इनमें। आ दाल के ज़्यादा पतली नहीं बनिया करे, पतली बनावाला तो अपन कहीं बाटियार साथ खाओ जला नहीं है दाल, ये रात थोड़ी सी झाडी रहा करे दाल ना बार पा उकड़ा मारना जीता दाल अपने और झाडी हो जाए, दाल ठंडी वजह और झाडी हो जाया करे। तो उन टाइम आप देख रहे ज़्यादा झाडी हो जाओ अपनी दाल थोड़ा सा गर्म पानी उनमें डाल पाचा उबाल लीजो। अब इन टाइम आप आँच थोड़ी तेज कर ले तो पाचा अपना उकड़ा मारना है ना, जो उकड़ा आ जाओ पचे अपना धीरे धीरे आँच से मैंने दो मिनट और पका वाला, बस दो मिनट और पका जगह मसाला दाल अच्छी तरह सब मिक्स हो जाए तो दाल दे मैंने अच्छा टेस्ट आ जाए वाला पूरा। भाई दाल पकाता ना अपन दो मिनट और हो गया है, अब इन मैंने अपना आधा चम्मच गर्म मसाला डाल दें, गर्म मसाला अपना लास्ट में डालना जिनकी खुशबू इन मैंने बहुत अच्छी रहे, पहले गाल दो तो खुशबू इन उठ जाया करें, तो लास्ट में गर्म मसाला डालना। अब थोड़ा आप एक टेबल स्पून वजह धना डाल दें कटोरा, आप अपना दाल बनना तैयार होती है। अब मैं आपने बताऊँ का दाल बाटी खावना की करें, गैस बंद कर दें। अब आ अपना राजस्थान की प्रसिद्ध दाल बाटी और चूरमा की थाली लागने तैयार होगी है, इन तरह अपना इन दाल बाटी ने सर्व करिया करें। अब बताओ आपने थाली रे मैंने कई कही है, एक तो इन मैंने कटोरा कांदा लिया हाँ और नींबू लिया हाँ, ये टमाटर है और अपना चूरमा है जिको बार पर बनाया हाँ, और अपना मिर्ची रो कूटो है, आपने दाल है ये अपने बाटिया है। बाटे रेसिपी आपने मैं लाले वीडियो में मैंने बताई ही, दो तरह बनावनी, एक तो कुकर में मैंने बनावनी बताई मैं, एक आपने अप्पम मिक्कर में बनावनी बताई। उन टाइम में मैं आपने बताई ही कि बाटिया अपना का वजह ज़्यादातर घीरे मैंने डुबो नहीं खाया करें, पर आज मैं आपने बाटिया यूज रखिया हूँ इन्हें पाकती हो घी रख दी हूँ कि आप पसंद अनुसार कही है घी ज़्यादा कम इन बाटिया में लगाने खा सको, आपने नहीं पसंद वह घी डालना तो आप जो ही बाटिया खा सको। अब मैं आपने बताऊँ बाटिया अपन किकर खाऊना, अब सब पहले अपने दाल ने मैंने नींबू निचोड़ लिया होना और नींबू पर लिया हाँ इन मैं निचोड़ लेना, जिन्हों को नींबू की खट्टी हूँ दाल अच्छी ला गया करें, वो आपने पसंद अनुसार आप कम बत्तर निचोड़ सको, इन्हें अपन ने सब तरह मिक्स कर लिया दाल ने मैंने। दाल आपने लागत हुआ ला के बहुत काटी है, पर इन्हा तक कहीं दाल काटी खाया करें, नहीं तो कहीं बाटिया में तो लागेला नहीं दाल। अब अपन कहीं करना और बाटिया लिया, बाटिया ने अपन इन तरह थोड़ा सा हड़को सा दबा देना, देखो बहुत मुलायम बाटिया देखो यू कर लिया बाटे अपने अलग अलग हो गया। अब इन मैंने अपने कही है थोड़ा सा घी डाल दी होना, घी आपने पसंद अनुसार आप बत्तो कम डाल सको, घी आपने इन तरफ डाल दो, घी डालते बाटे रे मैं जाया पर घी पूरा देखो, अब ज़्यादा पसंद हुआ तो आप ज़्यादा घी डाल सको, कम पसंद हुआ तो आप कम घी डालो इन मैंने। अब इन टाइम अपन बाटे इतना तोड़ना थोड़ा सा जड़ो आप बड़ो कवो छोटो कवो लेड़ो नहीं साहब बाटिया तोड़िए पचे उन मैंने अपन दाल दे मैंने इन तरह मिक्स कर लिया होना बाट, इन माते अपन ने थोड़ी सी मिर्ची रो कूटो ले लिया होना ओ न इन तरह लेन अपन और खा ला खाऊंडे मैंने बहुत ही स्वादिष्ट लाग दिया। इन हाथ अपन कोई सलाद वगैरह खा सका, टमाटर ले लो या कांदा ले लो, पचे आपने मीठो खाना हुआ तो चम्मच कोई भी आपने और चूरमा बनी उड़ा है चम्मच आप चूरमा खा सको, इन तरह अपन ने दाल बाटी चूरमा खाना। तो आप भी हमारे राजस्थान रहो और दाल बाटी चूरमा स्वाद घर बनाना जरूर चाख जो।
तो आपने मारा वीडियो कड़ा लागो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने मने जरूर बताइजो। इनी तरह दूसरी रेसिपी देखनी वे तो यूट्यूब माते पापा मम्मी किचन मारवाड़ी ने जरूर जरूर सब्सक्राइब करजो। मिला लाड़ा दूजा वीडियो में, जब तक राम राम सा।